कि खुशी बांटेंगे जब मुस्कान होठों पर सजाएंगे, क्या बात? कि खुशी बांटेंगे जब मुस्कान होठों पर सजाएंगे, तभी माँ लक्ष्मी विघ्नेश के आशीष पाएंगे, तभी माँ लक्ष्मी विघ्नेश के आशीष पाएंगे। चलो खाए कसम मिलकर उजाले बांटेंगे हम सब, कि चलो खाए कसम मिलकर उजाले बांटेंगे हम सब। अवध ज्यों जगमगाया है जगत को जगमगाएंगे, अवध ज्यों जगमगाया है जगत को जगमगाएंगे। और सुने, अगर प्रभु की कृपा होगी तो क्या होगा कि कृपा कर दे प्रभु पाए सभी धन धान का वैभव, कि कृपा कर दे प्रभु पाए सभी धन धान का वैभव, तिमिर मन से छटे छाया रहे बस ज्ञान का वैभव, कि तिमिर मन से छटे छाया रहे बस ज्ञान का वैभव। दिवाली में प्रभु तुमसे हमारी कामना है बस, कि दिवाली में प्रभु तुमसे हमारी कामना है बस, अंधेरों को हरा कर दो हमें दिनमान का वैभव, अंधेरों को हरा कर दो हमें दिनमान का वैभव। और सुने कि मोहब्बत इश्क उल्फत चाह की और प्यार की खुशबू, कि मोहब्बत चाह उल्फत प्यार की और प्यार की खुशबू, चलो मिल करके बांटे हम सभी त्योहार की खुशबू, कि चलो मिल करके बांटे हम सभी त्योहार की खुशबू। न केवल दीप ज्योति माँ व मिश्री देती है हमको, न केवल दीप ज्योति माँ व मिश्री देती है हमको, दिवाली देती है श्री राम के किरदार की खुशबू, दिवाली देती है श्री राम के किरदार की खुशबू। चार पंक्तियां और सुने जो राम के किरदार की खुशबू हमारे अंतस में समाती है। क्या होता है, हर रावण को एक संदेश जाता है। मैंने कहा कि बदन पर तुम लपेटे जब कपट के तार जाओगे, जो लोग भी अपने बदन पे कपट लपेट के कुछ करना चाहता है, गलत करना चाहता है, तो राम क्या सीख देते हैं, दिवाली यही सिखाती है कि बदन पर तुम लपेटे गर हवस के तार जाओगे, लखन की खींची हुई रेखाओं के जो पार जाओगे, कि बदन पर तुम लपेटे गर हवस के तार जाओगे, लखन की खींची हुई रेखाओं के जो पार जाओगे, और अधम से तुम हरण सीता का कर तो लाओगे रावण, कि अधम से तुम हरण सीता का कर तो लाओगे रावण, धर्म से सामना होगा तो लंका हार जाओगे, धर्म से सामना होगा, धर्म से सामना होगा, हार जाओगे। त्योहार मनाने के का ये क्रम चल रहा है, हम लोग एक चीज का बहुत ध्यान रखें इस त्योहार में कि किसी का भूख से चेहरा पीला न पड़े, सबका मन हरा रहे। मैं चार पंक्तियां कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैंने कहा कि अपने बुराइयों की समझ जलाइए, अपने बुराइयों को समझ समाप्त करें हम त्योहार पे, कि भटके हुए को, चार पंक्तियां सुने अनामिका जी की, भटके हुए को सीधा रास्ता दिखाइए, कि भटके हुए को सीधा रास्ता दिखाइए, मेरा यही उपहार है कि भटके हुए को सीधा रास्ता दिखाइए, अपनी बुराइयों की समझ जलाइए, और पीला पड़े न भूख से चेहरा किसी का दोस्त, कि पीला पड़े न भूख से चेहरा किसी का दोस्त, रख करके इतना ध्यान में उत्सव मनाइए। क्या बात है, अच्छी बात, बहुत अच्छी, बहुत 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 बह